तो ओके यार, आ चुके हैं वीडियो साथ में वापस। अब फिलहाल जो हमारे साथ खेल रहे हैं वो अपने दिनेश भाई यानी कि पुलिस गेमिंग वाईटी, आप लोग इनको जानते होंगे, फिलहाल अपने दोस्त हैं ये। और एक्चुअली हम खेलते हैं लेकिन पहली बार मैंने अपना गेम प्ले रिकॉर्ड किया था इनके साथ। अब यहाँ पे हम उतरे स्टेडियम पे और तो भाई इतनी भर भर के होने वाली है कि ये वाले मैच में आपको मज़ा भी आएगा और देख के आप लोग बोलोगे भाई हंसी आती है। ऐसे गेम प्ले आप डेली डाला करो। फिलहाल यहाँ पर उतरा मैं स्टेडियम, लेकिन ज़्यादा बंदे आते नहीं, एक सोलो बंदा आता है। अब अपने टीम मेट को बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा आया और तभी मुझको फुटस्टेप आते एक बंदे की। अब ये वाले बंदे को नो करने के बाद लगे हाथ इसको फिनिश कर देता हूँ ताकि इसके टीममेट आए तो रिवाइव ना दे इसके। अब जैसे इसको फिनिश किया तो मैं यहाँ पे पेड़ के पीछे छुप रहा था क्योंकि भाई मुझे पता था इसको गन मिल गई और एक बार भी मुझे पेल ही देगा, लेकिन इसको M16 मिली थी ना ही AR गन और मैं ऐसे ही डर रहा था। फिलहाल यहाँ से हम ये वाले बंदे को भर देते हैं। अब सिंपल यहाँ पे मैं लूट वूट कर लेता हूँ और इनसे हंसी मजाक कर ही रहे थे पुलिस भाई से कि भाई इनके साथ खेल के मज़ा आ गया। फिलहाल इन्होंने मुझे क्लाइन में भी इनवाइट कर लिया था कल। आप लोग अगर स्ट्रीम देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन इन्होंने अपने बिना बताए भाई मेरे को क्लाइन में इन्वाइट कर लिया और मैं चला भी जाता हूँ ताकि भाई आप लोग बोल सको भाई हाँ हम भी 1v4 में हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं जा रहा था तब यहाँ पर एक बंदा दिखता जो कि ऑफलाइन था। अब ये वाले बंदे को मैंने भर दिया लेकिन साउंड आता है कि पुलिस भाई वहाँ पे बुला रहे क्योंकि उनके पास एक स्कॉड रश कर चुकी थी। अब जाता हूँ मैं गाड़ी लेके और ये वाली गाड़ी के सीन देखना लास्ट में जाके क्या होते हैं। फिलहाल अपने टीममेट को बिठा लेता हूँ गाड़ी में और जाता हूँ, लेकिन एक बंदा यहाँ बच जाता है जिसका नाम आलू होता है। अब इसको बैठा तो लेता लेकिन ये वाला बंदा कुछ दूसरे पार्ट में इसमें लूट रहा था और भाई इसका नाम आलू है। और आप लोग कुछ मुझे कमेंट में बताना इसका नाम सुन के किस किस को हंसी आई। आलू भाई इसका टॉप आरपी में नाम आया था और भाई देखते में इतना हंसा था। फिलहाल यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि जा तुम आलू को ले आओ और मैं जाता हूँ पुलिस भाई के पास। अब वो वाले बंदे मतलब कि पुलिस भाई पे रस कर देते हैं लेकिन उससे पहले अपने दिनेश भाई रस कर देते हैं और जाता हूँ उनको थर्ड पार्टी करने, लेकिन मैं किल चोरी कर लेता हूँ उनका। फिलहाल अब फिलहाल ये वाले बंदे के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड निपट जाती है। अब ये वाले बंदे को मैंने बढ़ दिया लेकिन मुझे बताया अभी टली कहाँ थी। अब यहाँ पे मैं लूट ही रहा था अपने टीममेट के साथ और ये डबल ड्रेस बताना आपको कैसी लग रही है, अगर मैं खरीदूँ तो भाई क्या इसको खरीदूँ या फिर कोई और ड्रेस लूँ, मुझे मैंने बताना। फिलहाल अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे पुलिस भाई को पड़ी पीछे से कार 90 का फटका और भाई मेरी को इतनी हंसी आई कि पुलिस भाई भी हंसने लगे एक बार के। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए लेकिन यहाँ पे मेरी फट जाती है। पीछे से इतना गंदा डैमेज आता कि यहाँ पे मर सकता था, लेकिन अगर एक बार मेरी नोक हो चुका तो भाई डायरेक्ट पेटी बनती क्योंकि सामने वाला बंदा ही जी फिनिश कर देता। अब जो पीछे वाला बंदा जिसको मैं मारने के लिए जा रहा था उसको तो मेरा टीममेट निपटा देता है। अब जो बचा था सामने वाले बंदे जो DP से यहाँ पे फाइट लेते मेरा टीममेट जाता रेस्ट वेल के भरा जाता है। अब फिलहाल ये वाले बंदे को मैंने जैसे भरा मैं स्ट्रीम पे गया ये वाले मैच खेलने के बाद और मैंने अपने गेम की हाईलाइट देखी और भाई पुलिस भाई जो हंस रहे थे ना मेरे पे, भाई एक गोली मारी मैंने इसका किल चुरा लिया। यहाँ पे मैंने दो बार इनका किल चोरी किया कोई बात नहीं और यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को बचा भी लिया। अगर यहाँ पे पुलिस भाई नॉक हो जाते तो डायरेक्ट ये वाला बंदा फिनिश करता। अब फिलहाल यहाँ से हम लूट वूट कर लेते हैं। अब लूट वूट कर ही लेते तो फिलहाल गाड़ी वाड़ी निकाल लेते हैं यहाँ से। अब गाड़ी निकल के जा रहे लेकिन ये टीममेट बैठने को राजी नहीं था, पता नहीं इतना क्या लूट रहा है कि इसकी लूट कम्प्लीट ही नहीं हो रही। अब गाड़ी लेके जाता हूँ, फिलहाल यहाँ पे कुछ बंदे दिखते हैं और ये वाला नशा देखो मेरे साथ ही होता है। अब सामने की तरफ कुछ बंदे दिखते हैं, फिलहाल देख रहे उनको कैसे गंदा निकालते हैं। अब जैसे ये वाली टीम को निपटाया फिलहाल पुलिस भाई को यहाँ पे डैमेज पड़ता है और ये वाला बंदा देखो जो हमने डैमेज दे रहा ना, अब इसके साथ क्या होने वाला है, मेरा मतलब कि भाई जैसे इसको मारने के लिए जाते ये वाला बंदा स्कैन करने की कोशिश तो नहीं करता बट उछलने की कोशिश करता है। हम समझ गए थे कि वाला बंदा पुलिस भाई का मीटअप है तो यहाँ पे मैं मार ही देता, लेकिन बिल्कुल मैंने अपना फायर रोक दिया क्योंकि पुलिस भाई ने बोल दिया था कि इसको मत मारो और मैंने भी सोच लिया था कि क्यों ना इसको नहीं मारा जाए, ये पहले बोल देता। फिलहाल आप कमेंट सुनना यहाँ पे। माइनस लग।
और फिलहाल यहाँ पे जो हंसी आई ना मेरे को भाई, मैं हंस रहा था दबा के, क्योंकि ये वाला बंदा बोल रहा है वाईटी वाईटी ना कि पूरा नाम लेके, और भाई उस वक्त जो हंसी आ रही थी ना, क्या एक्सप्लेन करूँ। फिलहाल यहाँ पे हम गाड़ी लेके जा रहे थे और हैवी ड्राइवर देखो, फिलहाल ये होते हैवी ड्राइवर अपने दिनेश भैया। अब क्या ही बोले भाई, यहाँ पे हमने गाड़ी घुमा घुमा के आ चुके थे ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे देखना मेरे से गलती होती है कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाता हूँ एक बंदे को मारने के लिए, लेकिन जैसे उसके हाथ में मैंने आरपीजी देखी ना, मेरी फट गई यहाँ पे। अब जैसे मैं उसको मारने जाता हूँ, लेकिन वो वाला बंदा डैमेज हो जाता है। अब इसका टीममेट आता है इसको बचाने के लिए, लेकिन इसके हाथ में शायद शॉटगन थी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्कैम होता है मेरे साथ। मेरा मतलब ये है कि ये वाला बंदा शायद एस्ट्रोल के लेकर ना आया था, डीपी लेके आया था। अब दूर से तो ऐसा लग रहा था कि इसके पास एस्ट्रोल के है। अपने दिनेश में यहाँ पे नोक हो चुका था, और मेरा टीममेट देखो भाई फिनिश करने को इतना राजी हो रहा कि मुंह पे सामने नेट फेंक दिया। अब फिलहाल यहाँ पे अपने पुलिस भाई बच जाते हैं, और जो भी भाई अपने ये वीडियो देख रहे ना भाई, एक बार पुलिस भाई के लिए हैशटैग दिनेश भैया इन द चैट हो जाना चाहिए। अब फिलहाल यहाँ पे अपने पुलिस भाई चला देते हैं फ्लेयर, और यहाँ पे बोलता हूँ भाई किसने फ्लेयर चाहिए, और पता चलता है कि अपने दिनेश भाई फ्लेयर ड्रॉप मंगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती खबर आती है कि हमारा जो टीममेट एक शहीद होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं पूछता हूँ उनके लिए कि भाई क्लैन रिक्वायरमेंट फुल है या फिर नहीं, लेको इनका जवाब आता है। मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई क्या अभी मैं क्लैन में आ सकता हूँ। मैंने सिर्फ पूछा था कि भाई क्लैन रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहती है, लेकिन उन्होंने सीधा मेरे को बोल ही दिया कि भाई तू अपने क्लैन में आ जा। और भाई उस टाइम मैं इतना खुश हुआ ना कि भाई अपने दिनेश भैया ने खुद बोला, ना ही मैंने उनको बोला था कि भाई क्लैन के लिए मुझे इनवाइट कर लो, सिर्फ मैंने ये पूछा था कि भाई हाँ क्या क्लैन में क्या रिक्वायरमेंट है। और फिलहाल देखो इनका रिप्लाई आता है, इन्होंने लिखा चैट में हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने हाँ पे नज़र डाली, लेकिन दूसरी जो इनकी चैट आती है वहाँ पे मैंने नज़र नहीं डाली। लेकिन अब चैट पढ़ना, इन्होंने लिखा आ जाना तू, तो फिलहाल यहाँ पे मेरा टीममेट सीज हो जाता है। यहाँ पे इसकी कमेंट्री सुनना, अब फिलहाल सामने वाला बंदा तो यहाँ पे गाड़ी लेके भाग चुका था, लेकिन फुटस्टेप आते हैं यानी कि फायरिंग आती है इस राइट से। अब मैं देखते जाता हूँ तो, लेकिन समझ में आता है कि राइट साइड में बंदे थे। फिलहाल देखना उनको निपटाते हैं, लेकिन उससे पहले दिखता है मेरे को ये वाला बंदा। अब जैसे वाले बंदे को नोट कर लगा इसको फिनिश कर देता हूँ। अब फिलहाल आप यहाँ पे कमेंट सुनना, मेरा मतलब कि पुलिस भाई आते गाड़ी लेके, और क्या ही बोले भाई ये वाले स्टंट के लिए। अब देखना उनके साथ क्या होता है, लेकिन इससे पहले मेरा टीममेट शहीद हो जाता है। और बताना ये वाला सीन किसको कैसा लगा। अरे 1 HP है, 1 HP है अबे भाई। अरे भाई फिनिश भाई, अभी ड्राइवर लेवल 1 एनिमी डाउन भाई, तो टीम ग्राइंडर बढ़िया कर दिया ने, हैवी ड्राइवर बोलते भाई भाई पिकअप एंड शॉट दी है एकदम। अब फिलहाल इसी के साथ यहाँ पे कर लेते हैं चिकन, अपने पुलिस भाई गाड़ी उड़ाते आए और नदी में सीधे कुड़ा दी जाके, और भाई क्या ही बोले। फिलहाल अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो भाई एक बार जाके कमेंट में बता देना, अगर पुलिस भाई के साथ आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो भाई हैशटैग दिनेश भैया इन द चैट कर देना। और मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे साथ खेलना चाहते हो तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट बताना कि आपको अपने गेम प्ले पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर कुछ भी आपको छोटी मोटी गलती लगती हो तो मुझे कमेंट में बताया करो। मिलते हैं आपसे तो भाई बड़े गेम प्ले वीडियो में, तब तक गुड बाय।